हमारा टॉपिक है अ नॉर्मेटिव मॉडल फॉर केम एम इम्प्लीमेंटेशन इन स्कूल्स के स्कूल्स में हम किस तरह से केम को इम्प्लीमेंट करें उसके लिए नॉर्मेटिव और नॉर्मेटिव के जो मीनिंग होते हैं वो ये होते हैं कि बेस्ड ऑन एनी स्टैंडर्ड या एनी नॉर्मेलिटी या एक नॉर्मल फंक्शन करने वाली कोई चीज़ तो ये एक मॉडल जो है एक ऑथर ने पेश किया ये देखते हैं कि उन्होंने हमें क्या कहा अ नॉर्मेटिव मॉडल दैट गाइड्स द डिज़ाइन ऑफ केम इनिशिएटिव्स

इन इनिशिएटिंग नॉलेज मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने ये कुछ कन्सेप्ट हमारे साथ शेयर किए कि इन कन्सेप्ट को सामने रख के हम एक नॉर्मेटिव मॉडल जो है वो बना सकते हैं और स्कूल में नॉलेज मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन कन्सेप्ट पर बारी बारी हम बात करते हैं अलग अलग कि सबसे पहले कन्सेप्ट था स्कूल लीडरशिप का लीडरशिप स्टाइल हैज़ अ वेरी कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन द एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स ऑफ स्टाफ टूवर्ड्स इनोवेशन कि जिस तरह के लीडरश का स्टाइल होगा वो स्टाफ के लिए उतना मुफीद या एक रुकावट वाला हो सकता है कि जिसके नतीजे में वो आपस में नॉलेज शेयर करें इनोवेशन की तरफ जाएं या ना जाएं तो लीडरशिप का जो स्टाइल है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है स्कूल लीडर्स कैन बी वाइटल इन मेकिंग पॉलिसीज़ मीनिंगफुल और कन्वर्सली वर्चुअली मीनिंगलेस कि स्कूल का जो लीडर है वो पॉलिसीज़ को मीनिंगफुल भी बना सकता है या उसके उलट उसको लेस भी बना सकता है देर एटीट्यूड टूवर्ड्स इनोवेशन शुड बी पॉजिटिव सेलिब्रेटरी एनकरेजिंग एंड रेडिकल कि अगर लीडर चाहेगा तो वो इनोवेशन का कल्चर ला सकता है लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उसका जो एटीट्यूड है इनोवेशन के लिए वो पॉजिटिव हो दे शुड हैव आइडियाज़ फॉर एंड एक्सपीरियंसिज ऑफ इनोवेशन एज वेल एज़ नॉलेज ऑफ थेरीज़ ऑफ इनोवेशन कि वो इनोवेशन के हक में भी हों और इनोवेशन की थेरीज़ को भी समझते हों फॉर इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ आ नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेस इन स्कूल्स द सपोर्ट ऑफ द प्रिंसिपल एंड एंगेजमेंट ऑफ मिडल मैनेजमेंट आर इसेंशल आपने नॉलेज मैनेजमेंट के बारे में प्लान करना हो या उसको इम्प्लीमेंट करना हो इसके लिए जो हायर लीडरशिप है और जो मिडल मैनेजमेंट है उन दोनों का जो रोल है वो बड़ा क्रूशल है बड़ा इम्पोर्टेंट है नॉलेज uh, मैनेजमेंट का उसके विजन का क्या मतलब है उसका विजन कैसे बनाया जाए स्कूल लीडर्स मस्ट अ पर्सनल विजन रिगार्डिंग हाउ नॉलेज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कैन सस्टेन स्कूल डेवलपमेंट कि स्कूल के डेवलपमेंट में किस तरह से नॉलेज मैनेजमेंट का काम हो सकता है उसके बारे में उसमें सबसे पहले तो लीडर का अपना पर्सनल विज़न हो इट इज़ टू क्रिएट एन ऑन गोइंग प्रोसेस दैट एम्स टू इनकलकेट सेंस ऑफ कमिटमेंट इन द होल स्कूल कि अगर लीडर का पर्सनल विज़न होगा तो वो फिर स्कूल के अंदर पूरे स्कूल के लेवल पे स्कूल का जो स्टाफ है जो टीचर्स हैं उन सब में वो इनकलकेट कर सकेगा उस विज़न को एंड अ डिज़ायर टू अप्लाई के एम कि के एम को अप्लाई करने की जो एक ख्वाहिश है जो उसके लिए प्लानिंग है उसके लिए लोगों को जहनी तौर पर तैयार कर सकेगा के एम विज़न मस्ट बी क्रिएटेड बाई मीन्स ऑफ अ कम्प्रेंसिव इंट्रैक्शन अमंग टीचर्स इन द स्कूल एंड थ्रू चैलेंजिंग एंड ऑन गोइंग डायलाग टीचर्स को इन्वॉल्व किया जाए पूरी तरह से उनकी पार्टिसिपेशन इंतहा ज़रूरी है उनके सामने सारे इश्यूज़ को डिस्कस किया जाए और उसके बाद इस विजन को बनाया जाए या क्लियर किया जाए नॉलेज शेयरिंग कल्चर कैसे हो स्कूल कल्चर इज़ इम्पोर्टेंट इन शेयरिंग द वे इन विच एंड द एक्सटेंड टू विच स्कूल इज़ एबल टू यूटिलाइज नॉलेज एंड डिलीवर इनोवेशन विद रिगार्ड टू टीचिंग एंड लर्निंग टीचिंग और लर्निंग के लिए कि जो इंफॉर्मेशन का या नॉलेज की इम्पोर्टेंस है उसको टीचर्स समझते हों और उसके लिए ज़ैनी तौर पर तैयार हों स्कूल लीडर्स शुड प्रमोट ट्रस्ट इन देयर स्कूल्स बाय फर्स्ट फस्टिंग ट्रस्ट बिटवीन दम सेल्व एंड देर टीचर्स लीडर्स का ये काम है कि वो ट्रस्ट को डेवलप करें और इसका तरीका क्या है कि वो अपने और टीचर्स के दरमियान जो है वो ट्रस्ट को पैदा करें और उसके बाद वो टीचर्स से ये उनसे मुतालबा करें कि उनका आपस में भी ट्रस्ट का लेवल अच्छा हो अर्मेटिव मॉडल क्या है अर्मेटिव मॉडल इज़ नेसेसरी टू गाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सस्टेनेबल स्ट्रेटजी फॉर के एम कि एक नॉर्मेटिव मॉडल होना चाहिए इन्होंने शेंग ने जो है वो सजेस्ट किया और इन्होंने जो है वो सीकी मॉडल कि जो नोनाका और टिक्यूशी ने दिया इसको एक दूसरे मॉड्यूल में हम तफस से डिस्कस कर चुके हैं कि उसके चार जो हैं वो कौन से स्टेप्स होते हैं उसी की उसी का मकफ़ है तो उस मॉडल को इन्होंने सजेस्ट किया कि आप स्कूल में इम्प्लीमेंट करें उसके नतीजे में नॉलेज का उसकी शेयरिंग का एक पूरा कल्चर जो है वो पैदा होगा अब क्वेश्चनस क्या हैं कि जो सामने रखने चाहिए एक नॉर्मेटिव मॉडल को बनाते हुए और उससे इम्प्लीमेंट करते हुए स्कूल लीडर्स आर कॉल टू आंसर टू फंडामेंटल क्वेश्चनस ऑन वट टू मैनेज एंड हाउ टू मैनेज फोर के एम इम्प्लीमेंटेशन क्या मैनेज करना है और किस तरह से मैनेज करना है स्कूल कि किन किन एरियाज का यह डोमेन्स का नॉलेज चाहिए स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए और दूसरा है हाउ टू मैनेज सच डोमेन्स ऑफ नॉलेज सो दैट स्कूल लीडर्स एंड टीचर्स नो हाउ टू सपोर्ट द स्कूल डिवेलपमेंट कि जब उन्होंने डोमेन्स का फैसला कर लिया तो फिर उस नॉलेज को कैसे डेवलप करना है कि स्कूल को आगे बढ़ाया जा सके उसके तरीके सोचने होंगे और उसका जो एक हल है वो नॉलेज मैनेजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन है